नमस्कार, न्यूज क्लिक की डेली राउंड अप में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं एक बार हेडलाइंस पर। कोरोना अपडेट, देश भर में 6387 नए मामले, 170 लोगों की मौत। भूखा मरता भारत, जश्न में डूबी मोदी सरकार। कश्मीर एनकाउंटर, टूटे मकान, बिखरी जिंदगी। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में यानी कल 26 मई सुबह 8 बजे से लेकर आज 27 मई सुबह 8 बजे तक कोरोना संक्रमण के 6387 नए मामले सामने आए हैं और कोरोना से पीड़ित 170 मरीजों की मौत हो चुकी है। साथ ही इसी दौरान कोरोना से पीड़ित 3935 मरीजों को ठीक भी किया जा चुका है। साथ ही साथ देश भर में अब कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 151,767 हो गई है, जिसमें से 42.45% यानी 64,426 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और कोरोना संक्रमण के अभी तक कुल 4,337 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ देश में अब कुल सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 83,004 हो गई है। ICMR द्वारा आज सुबह 9 बजे जारी आंकड़ों के अनुसार अभी तक कुल 32,42,160 सैंपल की जांच की गई है, जिनमें से 1,16,041 सैंपल की जांच बीते 24 घंटों में हुई है। बीते दिन में सबसे अधिक मामले 10 राज्यों से सामने आए हैं, जिसमें महाराष्ट्र 2,091, तमिलनाडु से 646, दिल्ली 412, गुजरात 361, बिहार 253, राजस्थान 236, पश्चिम बंगाल 193, मध्य प्रदेश 165, हरियाणा 121 और कर्नाटक से 101 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही जम्मू कश्मीर से 91, आसाम से 90, उड़ीसा से 79, तेलंगाना से 71, छत्तीसगढ़ से 70, केरल से 67, आंध्र प्रदेश से 61, उत्तराखंड से 52, झारखंड से 49, पंजाब से 46, चंडीगढ़ से 28, हिमाचल से 24, उत्तर प्रदेश से 16, त्रिपुरा से 13, पुडुचेरी से 5 और एक एक नया मामला लद्दाख, मेघालय और नागालैंड से सामने आया है। बीते दिन देश के 7 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से कोई नया मामला सामने नहीं आया है, जिसमें गोवा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, निकोबार द्वीप समूह, दादर और नगर हवेली, मिजोरम और सिक्किम शामिल हैं। खोज खबर के नए एपिसोड में वरिष्ठ पत्रकार भाषा सिंह ने मोदी सरकार से पूछा सवाल कि जब भारत भूख से मर रहा है, तब वह अपने एक साल पूरे होने पर जश्न कैसे मनाने पर उतारू है। एक तरफ नागरिक ट्रेनों में भी भूख प्यास से तड़प रहे हैं, वहीं 750 उत्सव वर्चुअल रैलियों की तैयारी मोदी सरकार कर रही है। विकास का शर्मनाक हाल यह है कि मजदूरों का ट्रेन रास्ता भटक रही है और कहीं से कहीं और पहुंच रही है और सरकार ने देश के नागरिकों को बस उनके भरोसे छोड़ दिया है। आइए देखते हैं भाषण सिंह का यह स्पेशल एपिसोड। ये आंखें बहुत चुभती हैं ना, भीतर कलेजे में धस जाती हैं। ये आंखें हैं 4 साल के इरशाद की, जो दिल्ली से वापस अपने पिता के साथ गांव जा रहा था बिहार में। वह पहुंचा मुजफ्फरपुर तक तो सही सलामत, लेकिन वहां से बेतिया के लिए ट्रेन चढ़ते चढ़ते उसने दम तोड़ दिया। उसके पिता ने बताया कि कुछ भी खाने को नहीं मिला था, पानी तक नसीब नहीं हो पा रहा था, लाडले के पेट में अनाज का एक दाना नहीं था। ये आंखें हमें और आपको परेशान करती हैं, क्योंकि ये खुली रह गई, वे जाना चाहती थी अपने गांव। काश ये आंखें धस जाती हमारे हुक्मरानों की आंखों में, उनके जहन में, क्योंकि उन्होंने तो पूरी तरह से भारत के मेहनतकश तबके, मजदूर, आम नागरिक के प्रति आंखें फेर ली हैं। हमारे देश की सरकारों को उनके बारे में कुछ न दिखाई दे रहा है, न कुछ सुनाई दे रहा है और ना ही वे देखना चाहते हैं। आप तक भी खबरें पहुंच रही होंगी, हम तक भी पहुंच रही हैं और ये खबरें बहुत ही बेचैन करने वाली हैं। क्या हम 2020 में अपनी ट्रेनों तक को सही ढंग से नहीं चला पा रहे? भारत के इतिहास में शायद पहली बार हुआ होगा कि जाना था जापान, पहुंच गए चीन के अंदाज पे श्रमिक ट्रेनें चलाई जा रही हैं। 20 से लेके 40 तक की ट्रेनों की संख्या है जो कहीं जाते जाते कहां पहुंच गई। तमिलनाडु से निकली झारखंड जाने के लिए, पहुंच गई उड़ीसा। मुंबई से निकली गोरखपुर जाने के लिए, पहुंच गई कहीं और। क्या सरकारों को ट्रेन चलानी नहीं आ रही? घंटों घंटों ट्रेनें लेट चल रही हैं और जो खबरें, वीडियोज आ रहे हैं वो दिल दहलाने वाले हैं। मजदूर 40 घंटे 60 घंटे तक का सफर इन श्रमिक ट्रेनों में कर रहे हैं, जिनके बारे में तमाम सरकारें छाती पीट के दावे कर रही हैं, लेकिन वहां
उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, और कहां वे पहुंचेंगे ये ना उनको पता है ना सरकारों को पता। किसी ने अभी तक इतनी बड़ी गलती की जिम्मेदारी नहीं ली। लोग लिख रहे हैं कि ट्रेनें अपना रास्ता भूल गईं। क्या मोदी सरकार और जो यहां के रेल मंत्री हैं ये एक शब्द देश की जनता को बताएंगे कि रेलवे का आलम ऐसा कैसे हो गया कि वे रास्ता भूल गईं? क्या ट्रेन तक चलाने का अधिकार, हक और जानकारी इस सरकार के पास नहीं है? इतने बड़े पैमाने पर ये जो आपदाग्रस्त भारत है, इसमें मजदूर संघर्ष कर रहे हैं, ट्रेनें लेट चल रही हैं, ट्रेनों में लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन एक भी शब्द मोदी सरकार की तरफ से नहीं आया। किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली कि ट्रेनें गलत जगह कैसे पहुंच गईं। क्या ये जो तमाम लोग सफर कर रहे हैं यह भारतीय नागरिक नहीं है और मोदी सरकार की इनके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या किसी के लिए भी कोई जिम्मेदारी इस सरकार में किसी भी मंत्री की नहीं है? एक तरफ ये मजदूर हैं, ये आंखें हैं, उन बच्चों की आंखें जो मारे जा रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ यह सरकार, इस सरकार को चलाने वाली पार्टी उत्सव में है, जश्न मनाने की तैयारी है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा हो रहा है 30 मई को, और देखिए उसके लिए क्या क्या तैयारियां चल रही हैं। कोई भूखा मरता हो, मरे सरकार की बला से, कोई पैदल सड़क पे जा रहा है, जाए अपनी बला से, कोई ट्रकों में ठूस के टैंकरों में जा रहे हो, जाए उनकी बला से। इस सरकार को इस समय सबसे ज्यादा चिंता है कि 30 मई को कैसे भव्य और दिव्य बनाया जाए, और इसके लिए युद्ध स्तर पर तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बताते हैं कि 27, 28, 29 को युद्ध स्तर पर भाजपा के कार्यकर्ता व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, ताकि मोदी सरकार ने एक साल में क्या क्या कारनामे किए, क्या क्या उपलब्धियां हासिल की, कोरोना को किस तरह से लगाम में लिया, यह सब प्रचारित और प्रसारित किया जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, वे प्रवासी मजदूरों तक तो नहीं पहुंच पाए जिनकी संख्या 8 करोड़ के करीब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताई, लेकिन अब मोदी सरकार का प्रचार प्रसार करने के लिए वे 10 करोड़ भारतीय घरों तक पहुंचेंगे। और वहां क्या ले जाएंगे? वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाथों से लिखा एक पत्र उनके घर तक पहुंचाएंगे। इसके लिए पूरी की पूरी मशीनरी तैयार हो रही है। रास्ते में जाने वाले मजदूरों के लिए इस सरकार के पास पानी नहीं है, बसें नहीं हैं, ट्रेनें नहीं हैं, ट्रेनों में जो व्यवस्था होनी चाहिए वह नहीं है, लेकिन सारी की सारी मशीनरी को लगाया जा रहा है कि किस तरह से 10 करोड़ भारतीय नागरिकों के पास प्रधानमंत्री का हाथ से लिखा हुआ पत्र पहुंचाया जाए। उस पत्र में क्या लिखा होगा ये ब्यौरे आप तक पहुंच ही जाएंगे। कुछ जो संकेत मिल रहे हैं उससे साफ है कि उसमें जो जो उन्होंने दावे किए थे पहले वो किस तरह से हासिल किए वे सब होंगे, और देश की तमाम भाषाओं में इसका अनुवाद होगा, वह अनुवाद ही उन घरों तक पहुंचाया जाएगा। तो दिखाई देता है कि जिस समय देश जल रहा है, जिस समय भारत का नागरिक भूख से मर रहा है, उस समय जो सरकारी तंत्र है वह किस जश्न में लगा हुआ है। तो दिखाई क्या दे रहा है हमें कि इस समय तैयारियां चल रही हैं वर्चुअल रैलियों की। छोटा प्रदेश हुआ तो एक रैली, और बड़ा प्रदेश है तो दो रैलियां। पूरा का पूरा नक्शा तैयार है इस समय जलसे का। इस जलसे में क्या कुछ होगा इसका पूरा विस्तार इस समय देश का जो शासन जिसके हाथ में है, जिस पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में है, भारतीय जनता पार्टी के पास पूरा का पूरा नक्शा है। हो सकता है उनके पास 10 करोड़ घरों के पते भी हों, वहां तक वो पहुंचना कल से वैसे भी शुरू कर रहे हैं, लेकिन उनके पास शायद इस रिक्शे वाले का पता नहीं होगा। जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये पटना के रिक्शे वाले हैं जिन्होंने आत्महत्या कर ली। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन से बुरी तरह से तबाह हो चुके थे ये, बाकी और तमाम करोड़ों लोगों की तरह। इनके पास
इस सरकारों के पास इस व्यक्ति को कफन देने तक का पैसा नहीं है। आप देखिए ऐसी हृदय विदारक खबरें आ रही हैं देश के अनेक कोनों से, जिसमें से एक यह भी हैं जो देश के नागरिक हैं, कूड़ा बिनने का काम करते हैं। ये जो कूड़ा बिनने वाले व्यक्ति थे, भारत के नागरिक, ये लॉकडाउन की वजह से बेहद परेशान थे। जो ब्यौरे आए हैं उनसे पता चलता है कि बाकी देश के गरीब जिस तरह से जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ठीक उसी तरह से ये भी कर रहे थे। और हाल देखिए इस आत्मनिर्भर विकसित भारत की, इन व्यक्ति के पास मरने के बाद इतना भी पैसा नहीं था इनके परिजनों के पास कि वे इन्हें जला सकें। इन्होंने बहुत कोशिश की कि जाकर कहीं से चंदा मांगकर इनके अंतिम संस्कार के लिए कुछ पैसे जुटाए जा पाएं, लेकिन जब वे नाकाम रहे तब उन्होंने उनकी लाश को उनके घर में ही गाड़ दिया। यह है मोदी जी आपका आत्मनिर्भर विकसित भारत, जिसके बारे में आप एक शब्द न पहले बोले थे और एक शब्द तब भी नहीं बोलने वाले जब आपके शासन के एक साल पूरे होने वाले हैं। कश्मीर में हाल ही में हुए एनकाउंटर ने वहां के लोगों की जिंदगियां बदल कर रख दी हैं। कई मकान ढह गए हैं और जिंदगियां बर्बाद हो गई हैं। आइए देखते हैं न्यूज क्लिक के कामरान यूसुफ की यह ग्राउंड रिपोर्ट। नुकसान तो ये देखो ज़िंदगी भर की कमाई है, पुरखों की ये कमाई है उसमें लगी हुई है, ये तो करोड़ों का नुकसान है। ये 10-20 लाख रुपए का नुकसान नहीं है, ये करोड़ों का नुकसान है। तो कोरोना वायरस से अभी कोई बाहर भी नहीं निकल सकते, लेकिन हमारा घर सारा तबाह हो गया। मेरे को 1,30,000 रुपया था मैंने ऊपर कमरे में, वो भी हमको सारा कुछ जल गया। अभी सामने एक मैरिज हॉल है, हम लोग उधरी रह रही हूँ। तो कितने मकान इस इनकाउंटर? कम से कम 20-15 मकान इधर तबाह हो गया सारा कुछ, ये टू जर सारा तबाह हो गया, 20-15 मकान इधर। तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई मदद नहीं? अभी कुछ मदद नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। वो तो अब मिट्टी में मिल गए, अब तो तकरीबन अगर इसको भेजेंगे तो 10-20 हज़ार भी कोई नहीं देगा। ना, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, हमारे जो मोहल्ले की कमेटी है उसके हम इतने शुक्रगुजार हैं। अगर अपनी जान भी उनको देंगे वो भी कम है, क्योंकि उन्होंने हमें इस वक्त शेल्टर भी दिया, सब कुछ दिया, कोई किसी चीज़ की कमी नहीं रखी उन्होंने, मगर ये तो फ़र्ज़ था गवर्नमेंट का, वो कहीं नहीं है। बाप बेटे को पालता है, मारता नहीं है। इन्होंने तो हमें उजाड़ ही दिया, क्या इनसे क्या तवक्कुल।
फिर ऊपर चढ़ा। हाँ, मेरे घर में 2 लाख रुपया था, कैश था, बीवी का जहेज था, वो जायदाद होता है इनकी, वो रौनक होती है, वो भी ख़त्म हो गया, नए से बनाना है, सब कुछ बनाना है। घर में घुस गई ये लोग, सब कुछ लूटा। जो हमने पहना था रात को, उन्हीं में हम निकले, बस वही बच गया, बाकी कुछ नहीं। तो कितना नुकसान हुआ होगा? अब क्या, मेरे 2 बेटियां हैं, उनके लिए मैंने सामान लाया था, अपना सामान था, सारा कुछ जल गया। खाने पीने के सामान, पहनने का सामान, बाकी जो था सामान, पता है आजकल बेटियों को किस तरह के सामान होते हैं, सोना कपड़ा सब कुछ जल गया, सब कुछ राख हो गया। न्यूज़क्लिक के डेली राउंडअप में बस इतना ही। इन सभी खबरों को और विस्तार में जानने के लिए आप जा सकते हैं न्यूज़क्लिक की वेबसाइट पर। हमें फॉलो कीजिए ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर। देखते रहिए न्यूज़क्लिक। धन्यवाद।